नमस्कार दोस्तों, फ्लिपकार्ट ग्रिड 4.0 चैलेंज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट ग्रिड 4.0 चैलेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैलेंज में कौन कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस किस बैच के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे इस चैलेंज में क्वालिफाई होंगे उनको फ्लिपकार्ट की तरफ से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, इससे हमारी हर एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक पे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, ये जो कंपटीशन है, चैलेंज है, ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए ओपन है जो बच्चे बीटेक, बीई, एमटेक या रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड में रजिस्टर्ड है, यानी कि रिलेटेड इंजीनियरिंग कोर्स में रजिस्टर्ड है, और वो बच्चे इंडिया या फिर यूएस के होना चाहिए, और उनका जो बैच है वो 23, 24, 25 या 26 होना चाहिए, यानी कि वो बच्चे 2023 या 24, 25 या 26 में पास आउट होंगे। इसके अलावा ये जो चैलेंजेज है इसमें किसी को भी सिंगल रजिस्टर नहीं करना है, एक टीम बनाकर रजिस्टर करना है, और उस जो टीम का साइज होगा वो 2 से 3 मेंबर का होना चाहिए, यानी कि सिंगल स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो बच्चे 2022 में पास आउट होने वाले हैं, यानी कि इस बार जो बच्चे कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट होंगे वो किसी भी स्पेशलाइजेशन के हो सकते हैं, यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, किसी भी ब्रांच के हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको टीम बनाना है 2 से 3 मेंबर्स का, वो सभी स्टूडेंट्स एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलोंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में रजिस्टर्ड हैं, आपका दोस्त किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में रजिस्टर्ड है और आप दोनों ने मिलकर एक टीम बना लिया, तो ऐसे नहीं करना है। आपको अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट के साथ टीम बनाना है। हाँ, वो उनका ब्रांच अलग हो सकता है लेकिन कॉलेज सेम होना चाहिए। इसके अलावा एक स्टूडेंट्स किसी एक ही टीम का मेंबर हो सकता है, या फिर इससे एक से ज़्यादा टीम का मेंबर वो होता है तो सभी टीम को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से लेवल में इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो इसका कुल 3 लेवल है। जो फर्स्ट लेवल होगा इसमें ई कॉमर्स एंड ए टेक क्विज का है। इसमें जितनी भी टीम रजिस्टर्ड होंगे वो सभी टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 30 मिनट का ये क्विज होगा, और इस क्विज में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो लेवल 2 में जाएंगे। जो टीम लेवल 1 से क्वालिफाई हुआ वो लेवल 2 में आएगा, और लेवल 2 में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उस टीम को सोल्व करना होगा, और इसमें जिसका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको लेवल 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिनका अच्छा स्कोर होगा उनका लेवल 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेवल 3 जो है वो नेशनल फिनाले है। इसमें जो भी बच्चे का अच्छे परफॉर्मेंस होगा उनको काफ़ी सारी प्राइज मिलने वाले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्राइज के बारे में। सबसे पहला, यहाँ पे जो भी विनर्स है उनको 1.5 लाख तक का प्राइज मिलेगा। जो फर्स्ट रनर होंगे उनको 75,000 का मिलेगा, और जो टॉप 50 टीम है उनको GRID गुडीज प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं किस किस स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो टॉप 20 टीम्स फ्रॉम पर कॉलेज, यानी कि आप जिस कॉलेज से हैं उस कॉलेज के टॉप 20 टीम को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि इसमें ये चीज़ कन्फर्म हो जाता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रोवाइड मिलेगा, यानी कि उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। लेवल 1 क्वालिफाइंग टीम्स को भी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा, और जो फाइनल लिस्ट में जाएंगे उनको भी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम बात कर लेंगे इसके बारे में। तो जो भी बच्चे लेवल 2 क्वालिफाई होंगे वो बच्चे फ्लिपकार्ट हायरिंग प्रोसेस टेक रोल के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि हायरिंग प्रोसेस के वो पार्ट हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स फाइनलिस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, फाइनलिस्ट में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको फ्लिपकार्ट की तरफ से फुल टाइम जॉब या इंटर्नशिप के लिए PPI प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, इस अपॉर्चुनिटी में हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो भी रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन है, यानी कि लास्ट डेट जो है वो है 30 जून 2022। जो क्विज है यानी कि लेवल 1 है जो 2 जुलाई को होगा, और लेवल 2 जो है वो 17 जुलाई को होगा, और जो फाइनल है नेशनल फिनाले वो 10 अगस्त 2022 को होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवार्ड एंड प्राइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टार्ट डेट दिया गया रजिस्ट्रेशन का 3 जून, और एक चीज़ इसमें यह भी है कि इसका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी फी नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीम का साइज 2 से 3 मेंबर का होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन का जो डेडलाइन है वो 30 जून 2022 है। तो ये था नोटिफिकेशन फ्लिपकार्ट ग्रिड 4.0 के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर
आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।